नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज के इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज ने जो वैकेंसी जारी की थी जूनियर फार्मिस्ट की, 150 वैकेंसीज थी और जिसकी लास्ट डेट आज है, 4 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अप्लाई कर ले। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस बता दो, सिलेबस की जानकारी दे दो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ, तो आज मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊँगा कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा और कितने कितने क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ये सारा कुछ आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था आपका उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लायर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जारी किया था जूनियर फार्मिस्ट का पोस्ट, जिसके अंदर टोटल मिलाकर के 150 वैकेंसीज थी। तो आज हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 15 अगस्त को रिलीज हुआ था और 30 अगस्त इसकी डेट थी, ठीक है, बट इसकी डेट को बढ़ा करके 4 सेप्टेम्बर कर दिया हुआ था। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा, ऑनलाइन मोड है, लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर अभी हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका जो सिलेबस होगा आपका जनरल नर्सिंग से 40 क्वेश्चंस आपके जनरल नर्सिंग से आएंगे, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। नर्सिंग से आपका कितना है, 40 क्वेश्चन। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड का आपका 30 क्वेश्चन होगा और जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन होगा। टोटल मिला करके आपका 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जनरल नर्सिंग का 40 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, लॉजिकल इंग्लिश का, लॉजिकल रीजनिंग का 30 और जनरल एप्टीट्यूड का 30 और जनरल अवेयरनेस का 25। टोटल मिला करके 150 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से चीज़ें आएंगी। UPSC जूनियर का जो फार्मेस्ट का जो सिलेबस है 2019 का, इसमें आपका इंग्लिश के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसा कि आइडम्स एंड वर्ब्स से आ सकता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से आपका क्वेश्चन आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, सेंसेस आएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, वोकैबुलरी आएगा, टेंसेस आएंगे और कंप्रेसर आपका आएगा। इसके अंदर एंटोनिम्स भी आएंगे और वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा। अब हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस टाइप के कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन है आपका, क्वाड्रेटर से आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा, इंटरेस्ट से आएगा, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्क्वायर रूट्स, और इसके अंदर बेसिकली परसेंटेज है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मॉइस्चर एंड अलजेब्रा एलिगेशन है, डिस्काउंट्स के ऊपर आ सकता है, रेगुलर पॉलीगंस, टाइम एंड डिस्टेंस, सर्कल एंड चार्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया आपका बेसिकली उसका। अब हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जूनियर फार्मिस्ट का जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन आएगा, विजुअल मेमोरी का आएगा, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, क्यूब्स एंड डाइस, मिरर इमेजेस, नंबर रैंकिंग, अल्फाबेट सीरीज, और देखते हैं इसके अंदर क्या है, प्रैक्टिस रीजनिंग, मॉक टेस्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉगिस, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और साइकोलॉजिक रिलेशन, डायरेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर्स और एम्बेडेड फिक्सर्स आपके आएंगे। अब हम बात करें जनरल नर्सिंग में कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली जनरल नर्सिंग से जो भी इन्होंने आपने कर रखा है, इसके डिग्री ली हुई है बी फार्मा की, तो आपको पता होगा कि ये क्या क्या है और इसमें कैसे कैसे क्या करना है। तो बेसिकली आपका देखिए, इसमें जनरल नर्सिंग में जो आएगा, टॉक्सिकोलॉजी से आएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आएगा, सोशोलॉजी से आएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट से आएगा, पर्सनल हाइजीन से आएगा, बायोकेमिस्ट्री से आएगा, मिडवाइफ एंड जेनोलॉजिकल नर्सिंग से आएगा, साइकोचेरिस्ट नर्सिंग से आएगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आएगा, पेडियाट्रिक नर्सिंग से आएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या होती है वे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, हेल्थ एजुकेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ, टीबी एंड चेस्ट, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड, साइकोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पैरामेडिक्स, अकाउंटेंसी और माइक्रोबायोलॉजी आपका आ सकता है। और आगे देखिए, माइक्रोबायोलॉजी के बाद आपका फार्मास्यूटिकल जस्टिस का है, न्यूट्रिशन है, एंटोमी एंड
साइकोलॉजी है, देन उसके बाद आपका फार्मालॉजी फार्माकोलॉजी है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है, उसके बाद इसमें आपका एनवायरमेंट और हाइजीनी है, और साइकोलॉजिस्ट है, कंप्यूटर एंड नर्सिंग होना है, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मोलॉजी है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। तो ये आपका जनरल नर्सिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से आपका आ सकता है। बात करें इसके रिटर्न एग्जाम में, जो कि जनरल अवेयरनेस है, इसके अंदर आपका इंडियन पॉलिटिक्स आएगा, एनवायरनमेंट से आ सकता है क्वेश्चन, ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड, इंडियन कल्चर, रिसेंट क्रेडिट एंड मॉनिटरी पॉलिसीज क्या क्या है, देन उसके बाद आपका फिजिक्स से आएगा क्वेश्चन, फेमस डे एंड डेट्स, कौन कौन से फेमस डे और डेट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्टेनी, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, केमिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद आपका करंट अफेयर रिलेटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़ है, बेसिक जीके, फेमस एंड ऑथर। तो फ्रेंड्स ये आपका इसका पूरा सिलेबस था, ठीक है। तो ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, और इसके अगेंस्ट में मैंने एक PDF भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सिलेबस का भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। इसका प्रिंटआउट आप निकलवा लीजिएगा बेसिकली, और प्रिपरेशन करते वक्त ये पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, बेसिकली यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, ये आप पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं इसको फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली पैरामेडिकल की जो फार्मेसी की जो जॉब है बेसिकली कम आती हैं, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी लाभ उठा सके। 4 सितंबर इसकी डेट है, ठीक है। तो आज इसको शेयर खूब कीजिएगा, बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट है फ्रेंड्स, अप्लाई हो जाए, ठीक है, आपके दोस्त भी अप्लाई कर लें इसको। तो फ्रेंड्स फिर कोई मिलेंगे अगली वैकेंसी के साथ, ठीक है। तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी के लिए गुड बाय।